Hey दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है यार, Xiaomi फाइनली इंडिया के अंदर भी एक नया फोन लॉन्च करने जा रहा है सबसे कम बजट के अंदर, Xiaomi Redmi 7A। ये फोन वैसे आज चाइना में अनाउंस हो चुका है, 28 तारीख को इसका लॉन्च डेट है। आज इस फोन का हम कंपैरिजन करने वाले हैं इसी की तरह एक और धमाकेदार फोन Xiaomi का Redmi Go फोन। जी हाँ दोस्तों, ये जब फोन आया था 4500 में, सभी लोग सोच रहे थे यार कितनी इसकी प्राइसिंग होगी, इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन है, लेकिन फाइनली Xiaomi ने Redmi Go को 4500 में लेके आया। लेकिन उस वक्त एक दिक्कत ये थी कि इस फोन सिर्फ आपको 8GB तक का ही स्टोरेज था, लेकिन अभी पता चल रहा है आज की एक रिपोर्ट के हिसाब से कि Redmi Go के अंदर भी आपको जल्द 16GB वाला वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा। यानी आने वाली एक से डेढ़ महीने के अंदर हमें 16GB वाला वेरिएंट भी इसमें देखने को मिलेगा। तो ये डायरेक्टली आपको Redmi के 7A को कम्पीट करेगा, क्योंकि 7A आपको लगभग 5000 प्राइसिंग पे आएगा और ये जो फोन है आपको 4500 का है। तो यहाँ पे जब 16GB वाला वेरिएंट आएगा तो जरूर इस फोन की भी प्राइसिंग आपको हो जाएगी लगभग 5 से 5500 रुपया प्राइसिंग। तो डेफिनेटली Redmi Go और 7 एक बेस्ट कॉम्पिटिटर है। तो आज इस दोनों फोन का हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि आपके लिए कौन फोन है बेस्ट अगर आपका बजट है 5 से 6000 रुपए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे दोनों फोन की डिस्प्ले से। तो अगर हम बात करें Xiaomi की Redmi 7A की डिस्प्ले के बारे में, तो ये फोन में आपको एक बहुत ही ठीक ठाक सी 5.45 इंच की एक HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, बिना कोई नॉच वाली 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली। और वही बात करें अपने Redmi Go की, तो ये फोन वैसे मार्च में लॉन्च हुआ था, इस फोन में आपको देखने को मिलेगी एक 5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले जिसमें भी कोई नॉच नहीं होगी, लेकिन बेजल्स आपको थोड़े ज्यादा दिखेंगे Redmi Go में बजाय आप 7A में। 7A में बेजल्स कम कर दिए गए हैं लेकिन नॉच नहीं है, यहाँ पे नॉच भी नहीं है और बेजल्स भी ज्यादा है Redmi Go के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों फोन के प्रोसेसर को लेके, तो आपको Redmi Go भी एक बहुत अच्छे प्रोसेसर के साथ आता है, Snapdragon का 425 प्रोसेसर जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है। एक समय में लगभग आज से एक साल पहले ये प्रोसेसर आपको 7 से 8000 में आने वाले फोन में था, लेकिन अब ये जो प्रोसेसर है ये Xiaomi आपको 4000 में दे रहा है। और वही अगर हम बात करें अपने 7A की, Redmi 7A की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एक ठीक ठाक सा Xiaomi का 439 प्रोसेसर। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो दोनों अपने जगह एकदम फर्स्ट क्लास फोन है, क्योंकि आपको Redmi Go एक बहुत ऑप्टिमाइज फोन है, तो वहां पे आपको 425 प्रोसेसर भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और वही अगर हम बात करें 7A, तो यहाँ पे 439 प्रोसेसर भी एकदम फर्स्ट क्लास है। तो ये दोनों फोन को आप प्रोसेसर से नहीं मैच कर सकते, क्योंकि एक ऑप्टिमाइज फोन है और एक जो है एक कस्टम रोम पे आता है। आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं दोनों फोन को कैमरे को लेके, तो कैमरे में भी आपको जान के थोड़ा अजीब लगे कि Redmi Go आपको 4500 में जितनी सेल्फी का सेंसर दे रहा है, सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का दे रहा है, उतना ही सेल्फी आपको देखने को मिलेगी Redmi के 7A में। वहां पे भी आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर देखने को मिलेगा, सेल्फी कैमरा दोनों में आपको सेम देखने को मिलेगा। वजह पीछे में अगर हम बात करें तो Redmi 7A में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगी, और वही अगर हम बात करें Redmi Go में तो वहां पे आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। सिंगल कैमरा सेंसर है पीछे में दोनों फोन के अंदर, तो वहां पे कैमरा में आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम बैटरी को लेके, तो यहाँ पे Xiaomi Redmi 7A के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी दी जा रही है और साथ में 10W की चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पे आपको Redmi Go के अंदर 3000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी Redmi 7A की थोड़ी बढ़िया है और Redmi 7A आपको ज्यादा अच्छा बैटरी के बारे में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, और वहां पे आपको चार्जिंग की भी स्पीड थोड़ी सी अच्छी मिलेगी यहाँ के मुकाबले। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट पे आता है कि कौन फोन है सबसे बेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो Android Go फोन है वो Android Go एक अलग वेरिएंट हो गया, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा स्मूथनेस एक्सपीरियंस देखने को चाहिए और वो भी कम दाम में, तो आप Redmi Go की तरफ जा सकते हैं। आपको Redmi Go के अंदर जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा वो इस फोन में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो इस फोन में आप कर सकते हैं 7A के अंदर बहुत हैवी ऐप थोड़ा यूज कर सकते हैं, वो मेरे को लगता है Redmi Go आपको उतना अच्छा कैपेबल नहीं है। लेकिन Redmi Go की एक अलग पहचान है, वो एक अलग वो सीरीज है, और 7A एक जो आम सीरीज आती है Xiaomi की वो एक अलग फोन है। तो यहाँ पे दोनों फोन अपनी जगह एकदम फिट बैठता है, लेकिन अगर आपका बजट है 5000 रुपया तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप Redmi के 7A जो अभी लॉन्च होने वाला उसकी तरफ मूव करें, वो ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। और अगर आपका बजट है 4 से 4500 रुपया तो आप Redmi Go की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि Redmi Go आपको 4 से 5500 रुपया आएगा और Redmi 7A आपको 5 से 6000 तक जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बजट आपका कितना है। वैसे आपका क्या राय है कमेंट में बताइएगा, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।